आतंकवाद और इसके संरक्षकों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय। अमेरिका की ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंक को पालने पोसने वाले और अपना देश तक संभालने में नाकाम रहने वालों को हो रही है भारत के फैसलों से दिक्कत। भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का किया आह्वान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जताई प्रतिबद्धता। हाउडी मोदी इवेंट में कहा, सीमाओं को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी। भारत के साथ संबंधों की मजबूती के लिए जल्द ही कई रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर का ऐलान। अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट में हिस्सा लेने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन को आज करेंगे संबोधित। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर अलग अलग उच्च स्तरीय बैठकों में भी लेंगे हिस्सा। कतर और इटली समेत कई देशों के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सत्रह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 66 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अधिसूचना के साथ आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। समस्तीपुर लोकसभा सीट के लिए भी जारी होगी अधिसूचना। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा, केरल की पाला, त्रिपुरा की बाधरघाट और उत्तर प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, एक रजत और चार कांस्य समेत कुल 5 पदक। टूर्नामेंट के आखिरी दिन राहुल अवारे ने जीता कांस्य पदक। चोटिल होने के कारण फाइनल से हट जाने की वजह से दीपक पुनिया को रजत पदक से करना पड़ा संतोष।